हेलो गाइस, स्वागत है सभी का मेरे चैनल ट्रेनर एक्स एंड पोकेमोन रेडिकल रेड के एक और नए एपिसोड के अंदर। तो भाई पिछले एपिसोड में मोर्टी और विटनी ने मेरी वाट लगा दी थी बहुत गंदी वाली, लेकिन आज भाई उनको नहीं छोड़ूंगा। विटनी को माफ़ कर दूंगा लेकिन मोर्टी को जरूर आऊंगा भाई। आज मैं इस मोर्टी को मोर्टीन की दुकान को साले को बहुत मैं क्या है बोले, इसने मेरी इतनी बेइज्जती करी ना भाई। इसको मैं एक यार मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है? मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है भाई, ठीक है? मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले मैंने अपने शिफ्टरी को आगे रख दिया है और लीव ब्लेड से कमाल तुम देखो ज़रा क्रूकोडाइल की माँ बहने को भाई एक ही हमले में। ओके, अब आया गेंगार। तो गेंगार के लिए मेरे पास है सकर पंच। अब ये सकर पंच में मेगा गेंगार बैन कर देना और शिफ्टरी अलविदा हो गया, मुझे माफ़ करना। और मेरी फास्ट फॉरवर्ड कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड है इसलिए मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ। ओके, अब ठीक है। और अब मैं भेजूंगा ग्रीम स्नर्ल को। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि इसके पास है सकर मुक्का, चूसने वाला मुक्का। और गेंगार यहाँ हो चुका है खत्म। अब तुम देखो कौन सा पोकेमोन आएगा, मुझे भी नहीं पता। मिस मग जो भी नाम है इसका। अब भाई तुम सोच रहे हो मैं सगर पंच इसके ऊपर भी पहलूंगा, लेकिन नहीं, मैं इसके ऊपर मारूंगा स्प्रिट ब्रेक। ओके, नेस्टी प्लोट करा, स्प्रिट ब्रेक पड़ा, अब पड़ेगा इसके ऊपर सकर पंच। बिल्कुल हाँ, मुझे पता ये नहीं मरा और मेरा ग्रिम स्नर लुढ़क गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो है भाई मेरी जो प्लानिंग थी वो यहीं तक की थी, इसके आगे का मुझे अब घंटा नहीं पता क्या होगा, सब ऊपर वाले पे निर्भर है। पावर मार के दिखता हूँ। ओके, ओ डस्क नोर कितना हराम पोकेमोन बदल लिया उसने। अब बाइट पड़ेगा उसके ऊपर धनाधन धनाधन। फ्लिंस जोगिया भाई साहब, फ्लिंस जोगिया की टकरा रही, मुझे टकरा लेने तो पहले। What the fuck is going on here? डकार नहीं आया मुझे वैसे। ओके, कोशिश करी थी पटाई नहीं। अब एक और बार बाइट पड़ेगी और विल ऑफ विस्प पड़ गया। शिट, मुझे लगा इस बार फ्लिंस हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, एक और बार बाइट और ओ डोगिन कमाल का है भाई, मतलब कमाल की है। अबे यार सेरुज लीच, अबे यार ये वही आ गया ना ब्लेड वाला भाई। इसका टाइपिंग है वो फायर टाइप और घोस्ट टाइप, और मैं इसको स्टील टाइप समझ रहा था क्योंकि इसके पास वो ब्लेड वाला अटैक था, इसलिए मैं इसको स्टील टाइप समझ रहा था। यार शिट, अब मैं क्या करूँ यार, इसका अर्थ पावर या बाइट अटैक, बाइट अटैक या अर्थ पावर, अर्थ पावर या बाइट अटैक, बाइट अटैक मार के देखता हूँ। ओके, सोर डांस कराए वो घंटा, मुझे लगा वो फ्रेंड्स हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं। अब मैं अर्थ पावर मारूंगा, ब्लेड बिटर ब्लेड करा भाई तेरी बहन। क्या इस बार में भाई अर्थ पावर करूंगा। ओके, अर्थ पावर अटैक पड़ा, सोल डांस कर रहा वो और बहन की अख ओ बेटे, एक और अर्थ पावर पड़ जाए प्लीज। बिटर ब्लेड, नानी नानी इसको भेजू स्टारप्टर क्रूकोडाइल या एनाइलेप, एनाइलेप शैडो पंच बिटर ब्लेड। मर गया, क्या होगा मैं नीडोगिन को मरने दूँ। ओके, नीडोगिन मर चुका है, अब जाएगा मेरा एनाहिल लैप। ओके, अब इसका पड़ेगा इसके ऊपर शैडो पंच। ओके, शैडो पंच पड़ गया, सेरू ले जा गया शैडो पंच, एक और स्वर्ड डांस करा वो और भाई यार इतना क्लोज था वो। अगर उसने फिर से वो हराई पना करा भाई वो वाला अटैक, जिससे उसकी हेल्थ बढ़ जाती, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा भाई, मेरा मूड की माफ हो जाएगी कसम से। अगर उसने बिटर ब्लेड कर दिया फिर से शैडो पंच उसकी बहन की। मैं सोच रहा हूँ ईडो को इनको मरवा दो, ब्रेक ब्रेक। ओके, अटैक का असर नहीं हुआ। ओके, बहुत बढ़िया, अब मैं पोकेमोन बदल रहा हूँ। हाँ जी भाई, ये है मेरी चालों में से एक, मैं अपना पोकेमोन बदल दिया। ओके, अब मैं भेजूंगा अपना एनाहिल लैप। एनाहिल लैप का शैडो पंच पड़ा और एनाहिल लैप लग गया। क्या सीन है, इस बार वाइट पड़ेगा। ओ मिस मिस आ गया इसकी माँ का शैडो बॉल। ओ बेटे बेटे मैं ही पोकेमोन बदल लूँगा, मैं ही बहुत आराम है पोकेमोन बदल लूँगा मैं भी। क्रूकोडाइल मून ब्लास्ट पड़ेगा, शैडो बॉल पड़ा क्रूकोडाइल के पास, सेंड नहीं हुआ, क्रंच मारूंगा इसके ऊपर, मून ब्लास्ट पड़ा क्रूकोडाइल लुढ़क गया शिट। ओके, एनाहिल लैप जाएगा मेरा, एनाहिल लैप का शैडो पंच, शैडो बॉल पड़ा इसके ऊपर, बहन का टकला बच गया, एनाहिल लैप मेरा। ओके, मिस मेजेस गया और आ गया सेरुलेज पेरुलेज, शैडो पंच पड़ेगा उसके ऊपर, शैडो स्नीक करा, बहन का टका मर गया। नीलो क्वीन बाइट अटैक, अर्थ पावर विलो विस्प, एक और अर्थ पावर शैडो पंच, नीडोकिन मरते मरते बच गया, स्टारप्टर। ओके, स्टारप्टर शैडो पंच पर असर नहीं हुआ उसके ऊपर, डुअल विंग बीट पड़ा, डस्क नोर गया, बहुत बढ़िया चाल मेरी तो क्या है पड़ी वैसे तो। ओ क्लोज कॉम्बैट पड़ जा, ट्रिपल एक्सल गया गया। स्टारप्टर बेस्ट है भाई, इसके ऊपर ट्रिपल एक्सल का असर ही नहीं हुआ यार, ये थोड़ी मेरे लिए एक मिस्ट्री थी जो कि मुझसे घंटा भी सॉल्व नहीं हुई, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे तो फायदे में इतनी ही वो तो। ओके, अब डबल विंग बीट मारूंगा इसके ऊपर भी मैं,
और पड़ भी गया बंदे के ऊपर। क्लोज कॉम्बैट करा, स्टारप्टर लुढ़क गया। बिल्कुल मैं यही चाहता था। लेकिन अगर उसने इस बार बिटर ब्लेड करा ना, मेरा मूड की माँ बहन हो जाएगी। बिटर ब्लेड कर दिया तो शैडो पंच, बिटर ब्लेड कर ही दिया उस हरामी ने। और भाई तुक्के में जीत रहा हूँ। ओके, मिस मेजेस आ गया। शैडो पंच एक और शैडो बॉल, अब तेरी माँ का एनालॉग गया। नीडो क्वीन है मेरे पास अभी। ओके, नीडो क्वीन का अर्थ पावर, शैडो बॉल करा, नीडो क्वीन लड़क गया। भाई तेरी ऐसी की तैसी क्या हो रहा है? ओए मरना नहीं है, क्रंच मून ब्लास्ट, मरना नहीं, मरना नहीं। अरे बहन की आग, अरे भाई चार पर, भाई चार पर, बाल बाल बचा, बाल 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 बाल। ओ भाई साहब, यू हैव अ स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस ऑफ, तेरी माँ का चुप है। ईथन, ईथन बोले आई वांट टू बिकम द जोटू चैंपियन। ज़ूब राइट, आई हैव हाई होप्स फॉर यू, प्लीज हैव माय सिग्नेचर टीएम शैडो बॉल, शैडो पता नहीं क्या थी, शैड बेल। ओके, मेगा ही वो मेगा ब्रेसलेट दे रहा है क्या ये? बहन का टके ने दिया नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता भाई। क्रोकोडाइल मेरा जिंदाबाद, इसको चुम्मी दो इसी बात पे। ओ क्रोकोडाइल, थारा मूड खराब कर दिया। ऑरेंज बेरी क्लॉस को चल खा ले, खुश खुश हो गया। ओ भाई साहब, क्या बाल बाल जीता हूँ यार। भाई शुरू के 10 मिनट मेरे को ऐसी कोई मारने में लग गए, कोई बात नहीं, पोकेमोन सील और गेम सेव करना है मुझे इस बार डेफिनेटली। क्या पता मेरा गेम शुरू से हो जाए वहाँ की, यहाँ क्रैश हो गया तो। अब सब ठीक है भाई, विटने को अभी कुछ टाइम के लिए भूल रहा हूँ मैं, जानबूझ के। मैं नहीं जानता विटने कौन है, कहाँ पर है, क्या है, क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ आइटम, ग्रेट बॉल ज़रूरत नहीं मुझे, नहीं लगता पोकी बॉल की भी ज़रूरत नहीं मुझे, काफ़ी माल पानी मेरे पास। रिपेल वगैरह नहीं चाहिए मुझे, मैक्स रिपेल या सुपर रिपेल होती तो मैं खरीद लेता। यहाँ पर है बुढ़ाई स्पेशल, तो ये बंदा क्या बोल रहा है यार, 10,000 में यू कैन स्लॉटर अ फैमिली ऑफ ऑर्डिनोस, ऑर्डिनोस मतलब 10,000 में ऑर्डिनो बेच रहा है क्या? मेरे को चाहिए नहीं, अचार डालूंगा ऑर्डिनो का मैं, 10 मिलेंगे बाहर उस जैसे मुझे फालतू में। ओह क्या कह रहे, दिस हॉरिबल रॉकेट्स दिस डिजर्व नो मर्सी, दैट पुअर क्यूबन्स मदर, इट वॉज किल्ड ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम टीम रॉकेट। ये बंदा बोल रहा है कि टीम रॉकेट बहुत हराम के टके लोग हैं, उन बहन के टकों ने इस क्यूबॉन की माँ का माँ बहन एक करती इस बेचारी की, और क्यूबॉन यू नो अब अकेला हो चुका है। बहुत ही भयानक कहानी है ये, जिसको मैंने बड़ी गंदी लैंग्वेज में बताया तुम्हें, इसलिए ताकि हमें रोना ना आए, ठीक है। तो भाई इस लेवेंडर टाउन के अंदर मैं तभी जाऊँगा, तो दो दो बार तो जाने वाला हूँ नहीं मैं, तो ऊपर जाके मेरे को वैसे भी सिल्फ स्कॉप वाला सीन चपाटा करना होगा, तो जब मेरे को जाना होगा मैं तभी चले जाऊँगा ना, अभी क्यों जाऊँ भाई मैं, ठीक है ना। जब सिल्फ स्कॉप आ जाएगी मेरे पास मैं तभी ऊपर जाऊंगा भाई, अभी ऐसा एम आई नहीं जा रहा मैं वहाँ पर, ठीक है ना। अभी ये बुड्ढे और बुढ़िया उनमें से किसी एक से लड़ना पड़ेगा मुझे, चलो दोनों से लड़ लेता हूँ, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। One hour later. और हाँ गाइस, मुझे एक चीज़ याद आई, मेरे पास रायलू है, ठीक है ना, मेरे अपनी टीम भी चेंज कर ली जाहिर है। तो उस रायलू को इवॉल्व करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा सबसे पहले बैग में, फिर वहाँ पर जाना पड़ेगा तुम्हें। बैग में जाने के बाद तुम्हें यूज़ करना है पोकेमोन राइडर, ताकि तुम उसे यूज़ करके तुम शॉर्टकट में जा सको सेरुलियन सिटी के अंदर। और वहाँ जाकर तुम्हें करना क्या है, एक घर के अंदर जाना है जहाँ तुम्हें मिलेगा एक बूढ़ा हो, और उससे बात करनी, वो 500 रुपये काटेगा, वो तुम्हारे पोकेमोन जो है ग्रूम करेगा, और इससे क्या होता है तुम्हारे जो पोकेमोन है ना उसकी खुशी बढ़ी आ जाती है, उसकी खुशियाँ जो होती है ना वो बढ़ जाती हैं। हाँ मतलब ऐसे कुछ होता है, बट जो भी बस ग्रूम करना होता है उसको इस तरह से। एंड उसके बाद तुम्हें उसके बराबर वाले घर में आना, और यहाँ पे एक और बुढ़ाऊ मिलेगा, और ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे पोकेमोन की कितनी मतलब खुशी का लेवल क्या है। तो मेरे रायलू का लेवल जो हो गया 255 हो चुका है, पहले इसका कम से कम 100 के करीब कुछ था, लेकिन अब 255 हो चुका है, और अब क्या है मैं इसको कर सकता हूँ इवॉल्व। तो इवॉल्व करने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा इंतज़ार, ताकि मैं इसका लेवल अप कर सकूँ, ठीक है। तो लेवल अप करने के लिए मुझे फिर से यूज़ करने का पोकी राइडर। वैसे तो मैं रेयर कैंडी यूज़ कर सकता हूँ, बट वो है ना यार थोड़ी चीटिंग से लगेगी, मतलब तुम्हारे सामने आए देखो चीटिंग नहीं करना चाहता, तुम्हारे पीठ पीछे करूँगा उससे फिर। अबे क्या सेलेडोन, सॉरी मेरे को सैफ, अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं, जाना कहाँ है फिर एक मिनट। हाँ लेवेंडर टाउन, वही तो मैं जा क्यों नहीं पा रहा उधर। ओके तो मुझे जो है पहले इनमें से किसी एक बंदे से लड़ना है, तो आ जाओ बुढ़ाओ, ओ सॉरी बुढ़ाओ अंकल से मैं पहले ही लड़ चुका हूँ, तो इन दीदी से लड़ लेता हूँ, आ जाओ दीदी। तो इन दीदी से लड़ने के बाद क्या होगा, मेरे पोकेमोन का जो लेवल होगा वो हो जाएगा अप। तो अब मैं पहले चार्जार्ड को भेजता हूँ, है ना। ओके इसको थंडर वेव पड़ चुका है, तो पहले मैं इसको पेल देता हूँ, ठीक है। तो भाई किसी का भी लेवल अप नहीं हुआ, तो तुम्हें करना पड़ेगा थोड़ा और इंतज़ार। तो
सबसे पहले मुझे इस साइंटिस्ट की भी वार्ड लगानी पड़ेगी, आ जाओ। A few moments later. तो रायलू के जो है लेवल 28 से 29 ऑलरेडी हो चुके हैं और अब तुम देखना वो इवॉल्व हो जाएगा। आए इवॉल्व क्यों नहीं हुआ भाई? ओ भाई भाई टाइम क्या हो रहा है, एक मिनट टाइम क्या हो रहा है? अरे यार, तो गाइज मेरा बन चुका है पोपट क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 बजे के बाद, और मैंने गूगल पर देखा था कि रायलू को इवॉल्व करना है तो तुम्हें सुबह 10 बजे से शाम के मतलब अभी के रात के 8 बजे के बीच में इवॉल्व करना होगा, मतलब लेवल अप करना होगा, तभी वो इवॉल्व होगा रायलू लुकारियों में। उससे उसके बाद तुम करोगे 8 बजे के बाद तो तुम्हारा घंटा भी इवॉल्व नहीं होगा, ऐसे कुछ मैंने यूट्यूब पर मतलब गूगल पर देखा था। खैर उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है। ओके तो बेइज्जती हो चुकी है, छोड़ो यार। अगले एपिसोड में हम रायलू को जो है इवॉल्व करेंगे लुकारियो में, फिलहाल उसको पल्टी मार देता हूँ। चूतिया बनाया तुमको। इसके 30 लेवल हो चुके हैं और स्मूचम गया, बहुत बढ़िया। ओके एलिगेट आ चुका है, एलिगेट की माँ बहन होगी सैंडटूम अटैक से, और एलिगेट बिलबुड़क चुका है, बहुत बढ़िया कर लिया। आ गई साली, कोई बात नहीं, इसकी वाट लगी कि डिग अटैक में और कर लिया भी, गए। ओके मतलब गया, और मेरा एरॉन जो है इवॉल्व हो रहा है लेरॉन के अंदर, और फिर जल्द ही एक दिन ये बन जाएगा मेरा एग्रॉन में। ओ स्वाइन अभी इवॉल्व हो रहा है। ओके पायलो स्वाइन और मेमो स्वाइन में मेमो स्वाइन तब बनेगा जब ये एंशियंट पावर अटैक जैसा कुछ खुलेगा। मैंने गूगल पर ऐसे कुछ देखा था काफ़ी टाइम पहले, पता नहीं इवॉल्व होगा कि नहीं। ओके अगला गया, और अब आया दो पोकेमोन डिग पड़ेगा इसके ऊपर, सैंड टूम में गया तो, और ब्रिक पड़ेगा, शैडो पंच भी इसके ऊपर लपेट तो पड़ेगा तो सही, वरना कोई बात नहीं। लप गया मेरा क्रोकोडाइल भी, जीत गया, नाइस। कॉर्बोनाइट बचा है मेरा, बस सिर्फ और सिर्फ कॉर्बोनाइट, सिर्फ कॉर्बोनाइट है जो बचा सकता है मुझे, और क्रंच अटैक पड़ेगा इसके ऊपर, और ड्रिल पैक भी मार दो क्या इसके ऊपर, स्टील विंग मारो इसके ऊपर, ड्रिल पैक मार दे, मैं स्टील विंग मार के देखूँ या ड्रिल पैक ही मार देता हूँ। ओके क्रंच पड़ा, ओह बेटे ड्रिल पैक पड़ा, ओह थैंक गॉड मैं जीत गया, मैं जीत गया, बड़ा घंटों में जीता हूँ। हील करो पोकेमॉन्स। ओके अब यहाँ से भाई जल्दी से चलते बनते, ग्रीन निंजा मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन वो ग्रीन निंजा नहीं, वो एश ग्रीन निंजा है। ओके और मैं गाइस पहुँच गया हूँ ताऊजी हेलो सेलेडोन सिटी के अंदर। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ऊपर यहाँ आइटम वॉल है जिनमें सिल्वर विंड मिली है मुझे, सिल्वर विंड और इनके हैं फालतू पोकेमॉन। डेक्सटेप में देखते हैं, फालतू सारे फालतू टोटली। और यहाँ पे और कौन सा पोकेमॉन है, डियर लिंग नहीं चाहिए, डियर लिंग भी, क्यूटी प्यूटी फ्लाई भी नहीं चाहिए, और चीरा सॉरी एप्रेन है तो ओके, फालतू पोकेमॉन है सब यहाँ पर। जल्दी से पोकेमॉन सेंटर की तरफ, और गाइस मैं पहुँच चुका हूँ सेलेडोन सिटी के अंदर 1 घंटे की लड़ाई के बाद, और ग्रिंजा खुश है मेरा, अच्छी बात है भाई, टीम रॉकेट का बच्चा है तो। ओह लुकारियो, दिस इज माय ट्रस्टेड पल लुकारियो, आई गॉट इट फ्रॉम द गेम कॉर्नर एज अ रायलू व्हेन आई वाज लिटिल, आफ्टर ग्रोइंग टुगेदर थ्रू टाइम शुड इवॉल्व। ओ बेटे लुकारियो की तो मस्त लग रहा है ना, देख बेटे मेरे पास एज ग्रिंजा, देखना ओ देख, जल जली तेरी, जली जली तेरी, जली नहीं जली, जवाब ही नहीं दे रहा। ओके टोगिक कैसे है यहाँ पर, और एम्पोलियन भी है भाई यहाँ पर, भाई सिटी एक्सप्लोर करने का है ने, क्या कैसे लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। ओके तो भाई पहले सिटी एक्सप्लोर करनी है ना मुझे, तो शुरुआत में करता हूँ पीछे से, शुरुआत पीछे से होगी और जाहिर है, और इधर आइटम बॉल होनी चाहिए थी लेकिन अब क्यों नहीं है, और कोई बात नहीं, और इधर ही आइटम बॉल, और इसमें मिला है मेरे को लॉर्डेड राइस, इससे क्या होता है, होल्ड मॉन्स्टर के मूव मोर टाइम्स, और चलती नहीं। ओके अच्छा तो अच्छी अटैक है तो, और यहाँ पर बेटे ऊपर जाओ, यहाँ पे ईवी मिलता है ना ऊपर तो, लेकिन पता नहीं इस गेम के अंदर क्या मिलेगा आइटम बॉल के अंदर। 3 2 ओके 1 ओ ईवी, अबे ये तो एक और ईवी है यार, अबे चल, और हेलो चबड़ 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 चबड़, ओके जल्दी से नीचे आगे किस, ओके आंटी चाय दो ज़रा यार, ओके थैंक यू चाय के लिए, और बुड्ढे अंकल ओके रेड ब्लू गेमी रेड ब्लू रैंडम एग करस पढ़ने थोड़े क्या आई हैड स्टार्टर एग्स, उसके बाद स्टार्टर है अंडे, ओके वो शार्ड कलेक्टर और शार्ड गेम या रेड ब्लू और ग्रीन शार्ड, और ये मेरे को रैंडम अंडा देगा, रेड ब्लू और ग्रीन ये 3 शार्ड्स पता नहीं कहाँ से मिलेगी, येलो शार्ड से मेरे पास ले ले भाई सारी, येलो शार्ड इफ़ यू हैड आई कैन गिव यू रैंडम कॉस्ट्यूम पिकाचू, येलो शार्ड वुड यू लाइक टू एक्सचेंज, यू हैव नो रूम फॉर दिस, क्या बोला ये एक्सचेंज, गिव अ रैंडम कॉस्ट्यूम पिकाचू,
कॉस्ट्यूम पिकाचू देगा मेरे को। अच्छा, ऐसा पिकाचू जिसके पास कॉस्ट्यूम है, अच्छी डील है तो। बट मेरे पास सारे एम्बुलेट कॉइन ओके वर्सेस सीकर ओके, पता नहीं क्या बोल रहा है। ओके ओके, मेरे कुछ पढ़ा ही नहीं है क्या जो भी बच्चों दिख रहा है। अबे चल ना साइड। ओके तू क्या बोल रहा है, लाइव शोर स्टफ पैरेट टाउन गेम रूम। हाँ भाई पैरेट टाउन से आया हूँ मैं। ओके एम्बुलेट कॉइन दिया, थैंक यू। और ये भाई हेलो पास्ट फर्स्ट आई हैव क्रेजी प्रोपोजिशन। पछड़ 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 वन सेट, क्या कह रहा है ये स्पेशली लाइक रॉम यू कैन गेट दिस एनी वे, क्या कह रहा है। आई हैव अ क्रेजी प्रोपोजिशन, आई कैन मैक्स वन ऑफ योर पोकेमोन्स आईवी फॉर फ्री। नॉर्मली आई चार्ज मनी बट दिस सर्विस इज नॉट इज यूजफुल इन मिनिमल ग्राइंडिंग मोड। ओके तो फ्री में कर रहा है तो भाई क्या चार्ज आउट करवा देता हूँ। ओ ये तो पैसे ले रहा है ऑल स्ट्रीट्स। चार्जर विल हैव इट्स फोर्थ मिक्स्ड, इज दैट करेक्ट। ओके ऑल डन, होप यू फील ओके द ग्रैंड डाउन स्टॉप। ओके पता नहीं समझ में मुझे कुछ नहीं हुआ, बस समझ में मुझे कुछ नहीं आया बट इतना पता चला मेरे चार्जर की जो स्टेट्स है वो फुल हो चुके हैं। और हेलो ओके 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 और ओके वन आवर लेटर। और पहले तो भाई ये है ड्रीम प्लेस, सपनों की दुनिया। यहाँ पर मिलते हैं हमें हमारे सपनों के आइटम्स, नेट बॉल टाइप बॉल 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 बॉल। यहाँ पर मिलेगा ग्रेट बॉल 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 बॉल, फालतू चीज़ें यहाँ पर ऊपर। यहाँ पर हेलो चबड़ 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 नहीं सिखाना रहने भाई, शुक्रिया। ऊपर आ गया भाई साहब, ये मिलेगी मस्त फायर स्टोन, थंडर स्टोन, लीव स्टोन, वाटर स्टोन, सन स्टोन, मून स्टोन, प्रिज्म स्केल होता होगा कुछ, आइस स्टोन होता होगा कुछ, लिंक केबल। ओ हो मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, ट्रेड स्टोन होगा मैं ट्रेड स्टोन। मेटल कोड भी है जिससे मेरे चार्ज आर्ट, वो मतलब चार्ज आर्ट कह रहा हूँ, स्टीलिक्स इवॉल्व होगा शायद इससे होगा, मेटल कोड से शाइनी डॉन। अब ट्रेड स्टोन क्यों है इसके पास, केबल यूज फॉर लिंकिंग अननोन सर्वे डिवाइसेस, इट हेल्प्स कैन सर्टेन कार्ड्स। पता नहीं क्या पक्षवादी चल रही है यार, मेरे को ट्रेड स्टोन चाहिए था, मेरे ख्याल से ट्रेड स्टोन का ही काम करता है ये लिंक केबल। एक खरीद के देख लेता हूँ एक, और एक मेटल कोट खरीद लेता हूँ। ओके और एक किंग्स रॉक नहीं, शाइनी स्टोन नहीं, डॉन स्टोन खरीद के देख लेता हूँ, डस्क स्टोन भी खरीद लेता हूँ, लिंक केबल है, आइस स्टोन खरीद लेता हूँ, प्रिज्म स्केल से क्या होता है यार होता होगा कुछ, वाटर स्टोन खरीद लेता हूँ, लीव स्टोन खरीद लेता हूँ। ओके और थंडर स्टोन भी ले लेते हैं यार, और क्या चाहिए, बस पत्थरों की कलेक्शन मेरी हो चुकी कंप्लीट। अब यहाँ पर है मिलेगा मुझे नहीं पता, यहाँ पर एक बंदा मिसिंग है यार, प्रोटीन वगैरह मिल रहा है यहाँ पर तो बट। और सबसे टॉप पर आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे बंदा हेलो चबड़ चबड़ ओके और बच्ची है चबड़ चबड़ चबड़। एलेगेजाइट, एलेगेजाम का इवॉल्व मेगा स्टोन मिला है मुझे। ओके फ्रेश वाटर नहीं चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए मुझे इसमें से, बस मेगा रिंग और मिल जाए यार। बता मेगा रिंग कहाँ मिलेगी यार, तुम लोग मेरे को स्पॉइलर दे देना यार कमेंट में चाहो तो। हेलो सर डाउन ओके ओ हेलो बच्ची रुक जा हेलो ओके फालतू। यहाँ पे सर्फिंग सफारी सर्फक सर्फर करके जाऊँगा मैं ऊपर। अर्लिंग ऑट टू फार्म रेयर आइटम्स लीडिंग विद अ पोकेमोन दैट हैज आइदर सुपर लक फ्रिस्क एज एबिलिटी चांस ऑफ वर्ल्ड फ्यूचर। ओके फालतू। हेलो साइंटिस्ट व्हाट आई एम डू डू सिल्पस्कॉप। ओके ओके तो मेरे को जाना है भाई सिल्पस्कॉप के अंदर जो कि है बंद। अबे बंद की हुई है, इट अपीयर्स टू बी क्लोज्ड, व्हाई द फक। अबे ये भी बंद है बे, ओए भाई क्यों बंद है सब कुछ, ये तो कुछ नया है। व्हाट एम आई टू डू, समवन स्टोल आवर सिल्पस्कॉप, द थीव केम रनिंग दिस वे आई एम श्योर ऑफ इट बट आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम वेयर। अबे कोई सिल्पस्कॉप लेके भाग चुका है लेकिन यहाँ पर आके इसका सिल्पस्कॉप लेके भाग गया लेकिन इसकी नज़रों से गायब हो गया वो। और भाई गेम कॉर्नर भी बंद है, हमें पता है गेम कॉर्नर के अंदर मिलेगा लेकिन लॉक्ड है यार, वाई भाई तू है क्या वो चोर, नहीं ये भी नहीं है भाई, कोई अंदर है क्या, ये तो कॉइन केस देगा मेरे को। ओके थैंक यू बिग नगेट के साथ, ओए बिग नगेट दिया इसने तो मुझे, ओए दीदी हेलो क्या बोल रही है, क्या सिखा आयरन हेड कॉर्प नाइट को सिखा देता हूँ यार, इसके पास स्टील टाइप मूव बकवास सारे। आयरन हेड स्टील विंग ड्रिल पैक पैक अटैक, आई हैव पैक अटैक इसके पास, अब भी काटो। ओके थैंक यू और शॉर्ट चमर करो, नहीं चाहिए भाई रेंद। ओके फालतू, और यार वो चोर गया कहाँ होगा वो, लेकिन तू है क्या बे, नहीं है तू है क्या भाई चोर, वो चोर तू है बुड्ढे, कोई भी नहीं यार चोर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा मुझे। और अंदर हेलो आंटी, हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो, बंद करो, वेस्ट रहा यहाँ पर आना मेरा। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा बढ़िया चीज़ यहाँ पे भी कुछ नहीं है। जिम है यहाँ पर, जिम के अंदर जाऊँगा यार, बट एंड में, अभी नहीं। तो गाइस जो है मैंने पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर लिया है, और यहाँ पे स्नॉर्लक्स हमारा सो रहा हमेशा की तरह। बाकी के एक्सप्लोरेशन हम अगले एपिसोड में करेंगे। और सिर्फ स्कॉप में क्यों नहीं जा पा रहा ये शायद मुझे मालूम है, क्योंकि अभी तक मैं लेवेंडर टाउन टावर के अंदर नहीं गया ना, शायद इसीलिए ये सिल्फ स्कॉप जो है बंद है। ओके, शायद ऐसा भी होता होगा गेम के अंदर। खैर, तो इस सिल्फ स्कॉप के अंदर हम जाएंगे अगले एपिसोड के अंदर, मतलब लेवेंडर टावर के अंदर जाएंगे हम अगले एपिसोड में। आज लेता काफ़ी था, बहुत फालतू बकचोदी कर ली, बहुत फालतू की बैटल कर ली, लेकिन जो मेन काम थे मैंने वही नहीं करा अच्छे से। तो गाइज वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर तुम्हें वीडियोज पसंद आती हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।